ऐसे घोषणा बहुत हुआ है और होता ही रहता है, ये सब प्रतिमा का स्थापना होने वाला नहीं है। बड़ा दावा कर रहे हैं? एकदम दावा कर रहे हैं। क्यों क्यों नहीं हो पाएगा, क्या वजह लग रहा है? 9 साल बीत गया कि ईंट रखा ही नहीं गया, प्रतिमा स्थापना हो रहा है, 2 महीना में प्रतिमा बनने वाला है, हो नहीं हो सकता है। संत समाज को लग रहा है कि जुमला चुनावी जुमला है ये? जुमला ऐसे ही होते रहता है, तो बता देना। अब ये 24 में जो इलेक्शन होने वाला है उसके लिए अब राम जी की प्रतिमा बैठा में, अच्छा हनुमान जी की प्रतिमा बैठा में, अब ये गुलाब के फूल खिले वाला ना हो। फिर एक बार छलावा किया जा रहा है क्या बक्सर के? एक बार नहीं, बार बार छलावा हो रहा है। लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं कि एकदम प्रतिमा स्थापित हो जाएगी। ये दावा कितने दिन से चल रहा है, आज तक हुआ है? आप ही बताइए ना। अब तो कह रहे हैं कि हो जाएगा भाई, ऐसे ही होते रहता है। निरीक्षण किया वो, हम तो कह दिए ना, आश्वासन देने से नहीं होता है। इनका नाम तो लोग गलत रख दिया, जो अश्विनी चौबे, इनका नाम रखना चाहिए था आश्वासन चौबे, हमारे सांसद महोदय का। लगातार बक्सर के साथ आश्वासन, बिल्कुल आश्वासन मिल रहा है आज तक 75 से अभी तक। राम जी की प्रतिमा यहाँ नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों? तो बनाने वाले व्यक्ति ही नहीं है, इसीलिए नहीं बनेगा। अगर इसमें कोई संतों का हाथ होता, कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक का हाथ होता, कोई सामाजिक कार्यकर्ता का हाथ होता, तब तो बनता। तो जिस तरह से कल स्थल चयन हुआ, उसका निरीक्षण हुआ, प्रेजेंटेशन दिखाया गया बहुत सुंदर, तो नहीं लगता है कि मतलब वो सब? नहीं भाई, हम बता दिए ना, एकदम में नहीं होगा, बिल्कुल आश्वासन का काम नहीं ना है, यहाँ सेवा का काम है। बक्सर के साथ तो आज तक 75 से लेकर अभी तक लोग आश्वासन देके धोखा ही दिए, अभी भी धोखा मिल रहा है बक्सर को। कल बक्सर सांसद यहाँ प्रतिमा का डम्मी भी दिखाया। अरे तो बक्सर के सांसद कोई भगवान है? जैसे हम है वैसे आप है, वैसे वो है। जैसे हम है वैसे आप है, वैसे वो है। आश्वासन बाबा आप किसको कह रहे हैं? आश्वासन बाबा हम किसको कह रहे हैं? क्यों आप जानते नहीं हो क्या? हमारे, मैं खुल के बोल रहा हूँ, मैं निर्भीक व्यक्ति हूँ, मुझे भय नहीं है। आश्वासन बाबा आज तक 9 साल होने जा रहा है, आप मुझे ये बताइए जो हमारे सांसद महोदय यहाँ किसी चीज का आधारशिला रखा हो तो मैं गुलामी खरीद दूंगा। तो प्रतिमा तो स्थापित हो जाएगी ना? आप तो नहीं भाई, कैसे हो जाएगा, ये 4 महीना में स्थापित होता है। तो राम भद्राचार्य जी की जो घोषणा है, आप राष्ट्रीय संत हैं, राम भद्राचार्य जी ने घोषणा की है, तो क्या फिर एक बार बक्सर के साथ छलावा हो रहा है क्या? नहीं नहीं, वो तो संत हैं, वो उनके वाणी पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन श्री राम की प्रतिमा स्थापित नहीं होगी जैसा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। हम अभी बैनर बना करके राम जी का तीर धनुष तैनात करके हम सबको दिखाते, फिर जब हो रहा है कहिया से न हो रहा है। नाटक करने से काम नहीं होगा, यहाँ सेवा का जरूरी है, उस सेवा का भार डॉक्टर साहब उठाने जा रहे हैं, हम सबको मिल करके इनको समर्थन करना चाहिए।